अब श्री तेजस्वी प्रसाद यादव माननीय नेता विरोधी दल। आपको सबसे पहले धन्यवाद देते हैं महोदय। जो महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण जो देने का काम किया है, उनका जो अभिभाषण होता है सरकार लिख करके देती है, अधिकारी जो होते हैं वो लिख करके देने का काम करते हैं। और कई ऐसी भाषण में कई ऐसी बातें थीं जो हम गौर से सुन रहे थे, जैसे कि उन्होंने कहा महिलाओं को रिजर्वेशन को लेकर के, उन्होंने कहा बिहार क्राइम रेट में 22वें स्थान पे है, स्टार्टअप योजना की बात कही, सिंगल विंडो की बात कही, सात निश्चय की बात कही, इंटरनेट निशुल्क हो उसकी बात कही, आपदा मैनेजमेंट में जो बिहार नंबर 1 है उसकी बात कही, चंपारण से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती समारोह से लेकर के सारी जो बातें कही हैं महोदय, हम आपको पहले ले जाना चाहेंगे। हम बड़े कंफ्यूज लग रहे थे कि महामहिम एनडीए सरकार का भाषण पढ़ रहे थे या महागठबंधन सरकार के काम को गिनाने का काम कर रहे थे। आपको पता होगा महोदय, 2015 में जो मैंडेट मिला था महागठबंधन के नाम पे मिला था, जो आज लोग सत्ता में जो बैठने का काम कर रहे हैं और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि जनता ने उनको नकारा था 2015 में, और ये सरकार में इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये लोग चोर दरवाजे से घुस करके सरकार में बैठे हैं। इन्होंने जनादेश की चोरी करने का काम किया है महोदय, जनता के मैंडेट को अपमानित करने का काम किया है। और हमने तो पहले भी कहा था, बड़े बीजेपी वाले बीजेपी के लोग बड़ा नीतीश जी का गुणगान कर रहे हैं। हम तो पिछले बार भी कहते बीजेपी के लोग बता दीजिए सरावगी जी कि 2012 में नीतीश जी ने आपको धोखा दिया था कि आपने उनको धोखा दिया था, उसका जवाब तो मिला नहीं। आज दे देते तो बड़ी खुशी होती। अब कल नीतीश कुमार जी कहां जाएंगे नहीं जाएंगे कोई ठीक तो है नहीं। नीतीश कुमार जी 4 साल में 4 सरकार बनाने का काम किया, और नीतीश कुमार जी कहते बिहार में बाहर है। इतिहास उठा के देख लिया जाए हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का, 4 साल में 4 सरकारें किसी भी राज्यों में नहीं बनी है, और पूरे अलायंस के फुल मेजॉरिटी के बावजूद भी आखिर क्या कारण था कि 4 साल में 4 सरकारें बनी। और जिस राज्य में अगर 4 साल में 4 सरकार बनती है तो वहां विकास संभव है क्या? आपका क्या मैनिफेस्टो था चुनाव में? कौन से मैनिफेस्टो की कौन सी बातें आप लागू कर रहे हैं? ये तो 7 निश्चय का जो गुणगान कर रहे हैं, और जो सुशील मोदी जी ने जो बजट जो पेश करने का काम किया है, ये तो जो महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो था 7 निश्चय पे जिससे हम लोगों ने वोट मांगा था पब्लिक में जाके, ये तो उनकी बखान करने का काम कर रहे हैं। आपका क्या योगदान है हम जानना चाहते हैं। लेकिन अपने पूरे वक्तव्य में आप लोगों ने कुछ जिक्र नहीं किया, आधी अधूरी बातें, कौन सा आंकड़ा कहां से लेकर के आते हैं वो नहीं बताते। बताना चाहिए ना कि नीतीश जी की अंतरात्मा क्यों नहीं जागी। 75% मंत्री दागी है महोदय, मुख्यमंत्री जी आज नहीं है, हम चाहते थे वो रहते। हम पूछना चाहते थे कि 20,000 जुर्माना पटियाला कोर्ट ने क्यों लगाने का काम किया उन पे, वो सजा आफ्ता है, क्यों लगाया? कोई भी सदस्य यहां बता दे, हम तो पूछना चाहते, एक सदस्य बता दे क्यों 20,000 का जुर्माना मिला है, क्यों देना पड़ा? मुख्यमंत्री जी ने आखिर पेमेंट कैसे की है, चेक से की है या RTGS से करने का काम किया? ठीक है खुद पे, अरे सुन लीजिए, हमने कुछ अशब्द तो नहीं कहा सर, अनपार्लियामेंट्री वर्ड अगर हमने कहा है तो उसको हटा दीजिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमने कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल किया है महोदय। खैर जो भी बातें हैं, ये आप बताइए, महिलाओं की रिजर्वेशन की बात करने वाले, महिलाओं की रिजर्वेशन जो हम लोग 1 महीने के भीतर हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया था, पूछे श्रवण जी बैठे, हमारी सरकार, हम थे कि नहीं उस कैबिनेट में, आप बता दीजिए। अरे छोड़िए ना, आप लोग तो विरोध कर रहे थे, अब गुणगान कर रहे हैं। आप जाके गिट्टी बालू ये सब देखिए, उधर क्या कितना महंगा करा दिया गया, RCP टैक्स लगा दिया गया है महोदय,
आरसीपी टैक्स का मतलब रिजर्व कमीशन प्रिविलेज टैक्स, मतलब बिना घूस के बिना टैक्स के। इनकम टैक्स तो लोग देता है, लेकिन यहाँ तो बिना आरसीपी टैक्स के काम ही नहीं होता। जो बालू की कीमत महोदय एक ट्रक की 1600 थी, अब 5 गुना महंगा मिल रहा है, तो वो टैक्स उसमें जा रहा है। तो हम ज्यादा, आप लोग पूरी बात को सुनिए, समय अगर मिला। इन्होंने कहा कि 22वें नंबर पे था जब हम लोग सरकार में थे, तो मुझे पूरी तरीके से याद है आपकी केंद्र की सरकार ने ये रिपोर्ट लागू किया था। बोला था महागठबंधन की सरकार है 22वें रैंक पे है अपराध के मामले में। अरे छोड़िए, अब जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं महोदय, उसमें हत्या लूट अपहरण बलात्कार, अरे हत्या लूट अपहरण बलात्कार में बिहार में काफी अपराध में इजाफा हुआ। ये इन्हीं की सरकार बता रही है, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे महोदय। ठीक है, सुन लीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार नंबर 1 पे था जब महागठबंधन हम लोग सरकार में थे। हम लोगों ने इंडस्ट्री पॉलिसी के लिए सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट लाने का काम किया था। ये हम लोगों का काम है महोदय। आप बताइए, आपदा मैनेजमेंट को लेकर के कहते हैं कि जब भी आपदा आती है तो बिहार जो है आपदा को झेलने में सबसे सक्षम राज्य है और उसकी नीतियां सबसे बेहतरीन है। चूहा काट खा जाता है डैम। मुख्यमंत्री डैम का उद्घाटन करने जाते हैं, जिस दिन डैम का उद्घाटन उससे एक दिन पहले डैम टूट जाता है। ये आपदा का नंबर 1 है। बताइए, चंपारण सत्याग्रह, गुरु गोविंद सिंह जयंती, कौन लोग थे, किनके कार्यकाल में था महोदय? बड़े बड़े खुशी के साथ कह रहे थे कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। हम तो ये कहते हैं भाई, डबल इंजन की नहीं बल्कि बुलेट डबल इंजन की सरकार है आपकी, लेकिन जो इंजन है अपराध और घोटाले और भ्रष्टाचार में ज्यादा लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है। आपके सरकार में आने के बाद सृजन घोटाला, धान घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, मेगावृत्ति घोटाला, जन्नी घोटाला और पता नहीं कितने कितने घोटाले, शौचालय घोटाला, 36 ऐसे घोटाले हैं जो सामने आया है। लेकिन आप बता दीजिए महोदय, किसी भी बड़े अधिकारी, किसी भी आईएएस या आईपीएस या कोई भी बड़ा मंत्री या नेता लगातार जिसके राज में 36 घोटाले हुए हैं, कितने लोगों को इन्होंने सजा दिलाने का काम किया? और कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति। हम आपको बता दें, सृजन घोटाले में महोदय कितना पैसा अब तक लूट लिया गया, 2000 करोड़ तो कहा जा रहा है, लेकिन और कितने जिलों से अब तक कितना लुटवाया गया, सरकार क्यों नहीं आंकड़ा पेश करी? बजट किसके लिए होता है? बजट का पैसा जो हमारा खजाना है, जो ट्रेजरी है, उसको साफ कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है। कहां गया पैसा? किस पे चर्चा करे? जब ट्रेजरी में पैसा नहीं रहेगा तो इंप्लीमेंटेशन क्या होगा? ग्राउंड पे जीरो होगा महोदय। क्या विकास होगा? ये तो विनाश आपने करने का काम किया। ये देखिए सृजन घोटाला, 2008 में कौन था उप मुख्यमंत्री, कौन था मुख्यमंत्री? सुशील कुमार मोदी जी। 2008 में महोदय ये सीएजी का रिपोर्ट है, जिक्र था। मुख्यमंत्री कहते हमें नहीं पता था कि घोटाला हुआ। ये आरबीआई का 2013 का चिट्ठी है। मुख्यमंत्री कहते हमें नहीं पता था, लेकिन जो है भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस रहेगा। सुशील मोदी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, डेप्यूटी सीएम थे, और उनकी बहन रेखा मोदी और उर्वशी मोदी, आप देख सकते हैं सृजन महिला विकास सहयोग समिति का बैंक खाता है। और ये जो समिति जो है इल्लीगल बैंक चला रही थी बिना आरबीआई के परमिशन से। सरकार जय श्री ठाकुर के मामले में जब रेड करने का काम किया, तो क्यों नहीं आर्थिक अपराध शाखा के लोगों को पता चला कि ये बैंक इल्लीगल है? किसने इसको लाइसेंस दिया चलाने का? और सरकार की योजना का पैसा, जो बजट की बात करते हैं, योजना का पैसा किसी निजी के अकाउंट में हो, एनजीओ के अकाउंट में हो, और पैसा अगर सरकार को चाहिए तो वापस सरकार मांगती है एनजीओ से, हमको पैसा दे दो, हमको लैंड एक्विजिशन करना है। और उसमें घोटाला पे घोटाला। और ये महिला समिति जो है, कौन कौन लोगों के साथ फोटो आया? मुख्यमंत्री खुद कार्यक्रम में गए, बीजेपी के नेताओं का नाम गिना है कि फोटो दिखाएं?
तो महोदय इसमें आप देखिए, उर्वशी मोदी, ये उनके खाता है, खाता है आपका इंडियन बैंक का, ब्लॉक कैंपस का है ये महोदय, त्रिसम भवन सबौर का, और ये अकाउंट नंबर है 8227266685। करोड़ों रुपए मोदी जी, जो आपके वित्त मंत्री हैं, जो आपके डिप्टी सीएम हैं और जो आपके नेता हैं, उनके खाते, उनके बहन के खाते में और उनकी जो भी रिश्तेदार हैं उनके खाते में करोड़ों रुपए गए हैं, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि फिर से वो सत्ता में आए हैं चोर दरवाजे से और बिहार का बजट पेश कर रहे हैं। शर्म करना चाहिए नीतीश कुमार जी पर कि अंतरात्मा अब नहीं जाग रही है। क्यों नहीं जाग रही? हम पे केस मुकदमा कराते हो, जब 13-14 साल के थे तो हम पे आरोप लगाया जाता कि हम भ्रष्टाचारी, जब हम क्रिकेट खेलते थे, स्कूल में थे, मूछ नहीं था तो हम भ्रष्टाचारी करते थे। कोई सबूत मिला नहीं, अब तक चार्जशीट भी नहीं हुआ। महोदय चार्जशीट होगा, तब होगा जब इलेक्शन आसपास होगा, तब चार्जशीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। 50 साल राजनीति करेंगे, 50 साल की राजनीति करेंगे। आपके नेता तो 5 साल ज्यादा से ज्यादा, कुछ लोगों की कृपा से 5 साल, और हमको तो नीतीश चाचा का चिंता होता कि आप लोगों के फेरा में धरा गए। अब भतीजा है तो चाचा को चिंता तो होगी ना, भतीजा को, अब उनके साथ इतना आप लोग कष्ट देने का काम कर रहे हैं। हम उनके साथ काम किए हैं, 18 महीने काम किए हैं, हमको चिंता रहती है, लेकिन सरासर सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में कम से कम अपना जमीर को नहीं बेचना चाहिए। और एक जो मेहनत करके, जो ईमानदारी से जिसने काम किया, कम से कम उसका भी बखान कर देना चाहिए। अभी नंदकिशोर जी और सुशील मोदी जी भाषण दे रहे थे, पथ निर्माण मंत्री ये पहले भी थे, अभी भी बने, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब तक आप बताइए, दाऊद नगर नासरीगंज का फ्लाईओवर पूरा नहीं हुआ, गरौल बिरौल नहीं हुआ। अगर हम रहते, हमने 2 महीने के बाद का टारगेट फिक्स कर रखा था, 1 साल पहले हमने बता दिया आरा छपरा का पुल का उद्घाटन 11 जून को करेंगे, सोनपुर का जो जेपी सेतु है उसका 11 जून को करेंगे, और उस दिन हम लोगों ने उद्घाटन किया, सारे प्रोजेक्ट्स को हमने टाइम लाइन पे लाने का काम किया। लेकिन आप बता दीजिए, जो कच्ची दरगाह से लेकर के जो हम लोगों ने जो मापदंड तय किए थे, वो 2019 के अंत तक 4 साल का समय मांगा था, हमको याद है। अभी पूरा हो जाने, आप बोल लीजिए, सरकार के उत्तर में बोल दीजिएगा, सरकार के उत्तर में बोल दीजिए। और नाम लेते मैं कुछ, आप मंत्री हैं, आप मंत्री हैं तो नाम नहीं लेंगे? आप पथ निर्माण मंत्री है ना, कच्ची दरगाह का पुल का से आपको है क्या, आपको पता है? हम प्रोजेक्ट, कच्ची दरगाह का प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है, मालूम है आपको? अरे कुछ बोलने के लिए नहीं, बस खड़े होना है, नेता विपक्ष, बस खड़ा होना, बोलिए प्रतिपक्ष जी, मैं बात करना चाहता हूं। नहीं, हम सुनेंगे और हमारी बातों को भी आप सुने। मैं सुन रहा हूं, हम सुन रहे हैं, बोलिए जी मेरी बात। जब इधर से लोग बोलते हैं, आप लोग टोकते हैं कभी? अरे समय, अबे आप आइए ना बिंदु पे, आप आइए ना, आप टॉपिक पे बात कीजिए ना, विषय पे बात कीजिए। कहां बात की टॉपिक पे, विषय पे कहां बात कर रहे हैं भाई? सोनपुर, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, क्या बोल रहे हैं? इस पे बोलिए, इस पे बोलिए, ये गलत है। लेकिन सुना करिए, क्या सीबीआई जांच हुई है? क्यों होगा? जैशा का जांच होगा, इसकी जांच होगी। चलिए ठीक है, आप चलिए बोलिए, चलिए ये हमने दिखा दिया। हम चाहेंगे कि इसको आप लोग रिकॉर्ड में लाए, हम इसको सबमिट भी करना चाहेंगे, हम भिजवा भी देंगे। लेकिन महोदय, जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, भले ही चोर दरवाजे से ये लोग आए हैं, लेकिन बड़े अरसे बाद सेंट्रल में और स्टेट में एक ही अलायंस का गवर्नमेंट है। हम लोगों को उम्मीद थी, नीतीश कुमार जी भी काफ़ी लगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, स्पेशल स्टेटस मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी मानना है कि जब तक पिछड़े राज्य जैसे बिहार तरक्की नहीं करेंगे, तब तक हमारा हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता, हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। जब बिहार को देने की बारी आती है तो स्पेशल पैकेज का क्या हुआ? क्यों अरुण जेटली ने जो बजट पेश किया था उसमें बिहार को ठगने का काम किया? स्पेशल पैकेज का जो बोली लगाई गई थी, प्रधानमंत्री चुनाव में आके कहते थे 70,000 करोड़ रुपए दूं या 80,000 करोड़ रुपए दूं, 90,000 करोड़ रुपए दूं, चलो 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया, एक पैसा बता दीजिए अगर आया हो तो,
एक पैसा दे बता दीजिए बाहर को लेकर के बीआरजीएफ फंड मुख्यमंत्री जी बीआरजीएफ फंड को ले लीजिए, जो अगर स्पेशल स्टेटस मिलता, जो राज का जो शेयर है लगता है अब कितना बढ़ गया, 60-40 हो गया। पहले कई योजनाओं में क्या था, 85% और 15% देना पड़ता था, 15% 85% था। अब बोझ ये नई सरकार आने के बाद बोझ हो गई है। कम से कम लोगों को तो उम्मीद थी, चलो बेईमानी से सरकार बना लिया, धोखा देकर के बनाने का काम किया। इतनी देर और बोलना महोदय, जब तक खत्म नहीं हो जाए, हम लोगों को तो 79 मिनट है समय। हाँ, है तो आज का सदन महोदय तक निर्धारित थोड़ा, आप वही हम पूछ रहे थे, हम आप ही के सुविधा के लिए सदन थोड़ा बढ़ाने के लिए ही पूछ, आप बढ़ा लीजिए थोड़ा, जब खत्म करेंगे वो आगे का समय काट लीजिएगा। लेकिन महोदय, बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला, बाढ़ आया, 18 से 19 जिलों में बाढ़ आया, और प्रधानमंत्री आते हैं, भले ही लंच पटना में कैंसिल कर देते हैं, वजह क्या है हम नहीं बता सकते, लेकिन जब पूर्णिया या और भी सीमांचल के इलाकों में या कोसी के इलाकों में जब बाढ़ आई तो उन्होंने दौरा किया, उन्होंने घोषणा किया था कि बाढ़ पीड़ितों को 500 करोड़ का पैकेज देंगे, एक पैकेज का अब तक पैसा नहीं आया। मवेशियों का जो नुकसान हुआ है ग्रामीणों को, उसका भुगतान नहीं हुआ है। जो फसल, जो खेती बाड़ी में जो नुकसान हुआ है किसानों को, उसकी भरपाई नहीं की गई है। पता है, एक परिवार जो 6,000 रुपये मिलने चाहिए थे, उन परिवारों को अभी तक पूरी तरीके से काफ़ी लोगों का नाम छूटा गया, और काफ़ी बड़ी धांधली हुई है राहत को ये राशि को वितरण में। महोदय, तो कहाँ गया डबल इंजन, किस बात के लिए आप लोग कहते हो? आप एक साधारण सी ट्रेन को 50 की स्पीड में नहीं चला पाते हो, रेलवे बजट गायब हो जाता है, और लालू जी की बात करते हैं, 90,000 करोड़ को मुनाफा लालू जी ने देने का काम किया, कोई दिया आज तक? दो कारखाने बिहार में लालू जी ने देने का काम किया। महोदय, हर एक बजट में लालू जी ने भाड़े को कम किया, किराए को घटाने का काम किया। हार्वर्ड से लेकर एनसीआर तक, सिंगापुर से लेकर के यूएस तक आईएम के लोग लालू जी से पढ़ने आए, आईएम के लोग पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया, और लालू जी पे आप लोग उंगली उठाने का काम करते हैं। जब 5-6 जिलों में जब बाढ़ आया था कोसी में, महोदय 8-9 में, तो लालू जी ने और उस समय यूपीए की सरकार ने 1100 करोड़ रुपए दिए थे, रेल नीर कैंपों तक पहुंचाने का काम किया था, यातायात को फ्री करने का काम किया था। महोदय, ये हम लोगों से काम की तुलना करते हैं? आप सरकार की बात करते हैं, लालू जी के समय में कितने विश्वविद्यालय बने और आप लोगों के सरकार में कितने विश्वविद्यालय बने? अंतिम परमानेंट नौकरी शिक्षकों की कब हुई लालू जी के समय, आप लोगों के समय परमानेंट नौकरी कब दी गई लोगों को, आप ये बता दो, पहले इसका आंकड़ा पेश कर दो। आंकड़ों में बात करेंगे तो आप लोग कहीं नहीं रहिएगा। उसलिए सवाल जो उठाया जाता है, ये आपके घर की बात नहीं, इसको निजीकरण मत को नहीं है, ये बिहार का सवाल है। आप लोग निजीकरण मत बनाया कीजिए, हर चीज को निजी बना लेते हैं, सवालों पे बात किया कीजिए। यह बिहार की जनता का सवाल है, गरीबों का सवाल है, इसका जवाब देना होगा। आप बैठिए, हो गया। महोदय, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमको प्रधानमंत्री मत बनाओ, हमको चौकीदार बना दो। ऐसा चौकीदारी किए कि बैंक खाली हो गया, और नोटबंदी साबित हो गया कि सबसे बड़ा घोटाला था। अभी जो इन्होंने कल जो पेश किया है मोदी जी ने, ये माना है कि नोटबंदी से बिहार को भारी नुकसान हुआ है, वो भी हम लोग समय पे किताब दिखा देंगे। वो कौन सा किताब है जो कल पेश किया? मतलब सुशील मोदी जी अपने प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के किताब में पेज नंबर 4 पढ़ लीजिएगा, सुशील मोदी जी खुद मान रहे हैं कि नोटबंदी से बिहार को नुकसान हुआ, यानी उनके प्रधानमंत्री ने बिहार का नुकसान किया, खुद पेश कर रहे हैं। अरे कम से कम पढ़ तो लेते, उन्होंने देखा नहीं होगा, ऐसे पेश कर दिया होगा, वो अलग बात है। लेकिन महोदय, नीरव मोदी भाग गए, हमारे चौकीदार साहब विदेश रहते हैं या तो चुनाव प्रचार में रहते हैं, विजय माल्या भाग गए, आपके ललित मोदी भाग गए, कोटारी भागेंगे, और भी पता नहीं पूंजीपतियों के कितने लोन जो है वो बकाया है, और हमको शंका है यहाँ के डिप्टी सीएम भी भाग जाएंगे, इनका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए। ये स्टेटमेंट है, सबूत है, बिना देखे बिना तथ्य के हम लोग आरोप नहीं लगाते। आपका सीबीआई क्या जांच कर रहा है आप जानते हैं, किसके दबाव में जांच करता है हम लोग जानते हैं,
नीतीश जी पे क्या दबाव है हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी से बात को सुनिए, सच को जानना चाहिए और नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो आप लोगों ने मापदंड जो तय किए हैं महोदय, जो झूठे मुकदमे में फंसाना ये करना, तो आप लोग को क्या लग रहा है अभी हंसी आ रही है, बाद में रुलाई आएगी भविष्य में, अभी रुकिए ना, अभी जेल यात्रा में चलिए। आप बैठिए, मत करो, आप बैठिए, अपनी चिंता करो, दूसरे की चिंता चलिए, अपना ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। महोदय काला धन लाने की बात थी, यहाँ से तो सफेद धन ही विदेश जा रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं, काला धन लेके आएंगे, स्विस बैंक से लेकर के आएंगे, यहाँ सफेद धन बाहर जा रहा है। महोदय बताइए किस प्रकार की चौकीदारी की। सरावगी जी यहाँ जब बैठे हुए रहते थे, हम लोग वहां बैठे रहते थे, तो बोलते थे शमशान की घेराबंदी होनी चाहिए, शमशान की घेराबंदी। क्या हुआ शमशान बजट में, बजट में शमशान क्या हुआ, क्या हुआ? हिंदू मुसलमान दंगा कराना, कम्युनलाइज करना सोसाइटी को, आज क्या हुआ? अपने एजेंडे से पीछे भाग गए। मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, बात करते थे मुख्यमंत्री जी समीक्षा यात्रा में गए, बड़ी अच्छी बात है। हमारे विधायकों की जो पहली समीक्षा में जो समस्या थी, वो तीसरे समीक्षा में भी वही समस्या रही, कोई समाधान नहीं हुआ, सेम प्रॉब्लम एज इट इज। समीक्षा किस बात की? सिर्फ दिखाने के लिए कि हम बिहार में घूमते हैं, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हमको सब कुछ समझ में आता है, और सारे अधिकारियों को हम ही ठीक कर सकते हैं और दूसरा कोई ठीक नहीं कर सकता, ये दिखाने के लिए। तो समस्या तो वही है महोदय। और इतना विरोध हुआ मुख्यमंत्री का, काले झंडे क्यों दिखाए गए, पत्थर क्यों चलाए गए मुख्यमंत्री पर, काले झंडे क्यों दिखाए गए? इनके तो प्रवक्ता एक से एक हैं, हम पे ही इंजाम लगा देते हैं, बच्चे पे इंजाम लगाते हैं, भतीजे पे इंजाम लगाते हैं, जो शुभचिंतक हैं हम लोग, हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी के साथ है तो सुरक्षित रहे नीतीश जी, चिंता है, पता नहीं क्या क्या। तो हम तो उस समय भी बोले थे कि मुख्यमंत्री जी को पश्चाताप यात्रा करना चाहिए, आखिर क्या कारण है विरोध होने का। और ये पहली यात्रा नहीं थी जब विरोध हो रहा था, जब यात्रा पे निकलते तब विरोध होता है, तब काले झंडे दिखाए जाते हैं, लेकिन इस पे कोई कुछ नहीं कहेगा। हमारा किसान आत्मदाह कर रहा है, मजदूर बेरोजगार है, पलायन कर रहा है, नौजवान जिसको रोजगार था उसका भी रोजगार छीन लिया गया, लेकिन बिहार में बहार है, शिक्षकों को वेतन नहीं, कोर्ट से पटकार लगा दिया गया, फिर भी सुधरे नहीं, और फिर भी कहते हैं कि बिहार में बहार है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। वाह भाई वाह, हम लोग भी जाते हैं क्षेत्र, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग अपने आप को झूठा मत बनाइए जनता के बीच, नहीं तो नुकसान आप लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, झूठ का प्रचार ना किया जाए। महोदय शराबबंदी की बात, शराबबंदी की बात कर रहे थे, नशा मुक्ति की बात कर रहे थे, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ? आप ही के नेता थे, दो दिन तक तो नहीं थे, फिर हो गए, फिर होने के बाद निकाल दिए गए जब हम लोग राजभवन चले गए मार्च पे, तो वो आपके नेता थे कि नहीं थे? और जब 32 बच्चों को कुचला गया मुजफ्फरपुर में, तो आपके नेता क्या कर रहे थे? नंदकिशोर जी आप क्या कर रहे थे? होली समारोह में गए हुए थे, रंग गुलाल खेल रहे थे, आप गए हुए थे फोटो। अरे नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए, फोटो है मेरे पास, फोटो है, बॉम्बे से कलाकार बुलाए गए थे, बॉम्बे से बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए थे, करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन बच्चों को मुआवजा नहीं मिलेगा, अरे उनके साथ न्याय नहीं होगा, धानली सभा में परिवर्तित हो गया। अगर यह भी जानकारी आपको नहीं तो आश्चर्य होता है, आप अखबार भी पढ़ते कि नहीं पढ़ते? नेता प्रतिपक्ष के महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठे हैं, हम लोग वहाँ बैठ चुके हैं, लेकिन ऐसी मुख्यमंत्री जी की बड़ी कृपा है, मुख्यमंत्री जी की बड़ी कृपा है कि अपना जन्मदिन भी नहीं मनाएंगे और होली भी नहीं मनाएंगे, धन्यवाद देते, लेकिन माफी तो मांग लें, चले तो जाते घटनास्थल पे। सुशील मोदी जी तो भाग गए, क्यों भाग गए भाई? ये क्या डर था? इसका डर था, आरबीआई का, सीएजी का, बैंक खाते का डर था। आपके कितने मंत्री हैं नंदकिशोर जी, आप नाम मत दिलवाइए, हमारे पास एक एक प्रमाण है, एक एक करके इस सत्र में सबका पोल खोलेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, साइकिल से रेंज रोवर, साइकिल से रेंज रोवर, बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, अरे छोड़िए ना, आप लोग क्या कीजिएगा, आप
महोदय नहीं, 75% मंत्री दागी है महोदय, हर एक का मेरे पास वीडियो है, शराब पीते हुए फोटो है। अरे बैठिए ना, बैठिए बैठिए, आपको इधर घूम। अरे कहाँ है आप, इधर देख के बोलिए ना। उप मुख्यमंत्री को रिजाइन कराइए, हम ये दिखाए तो रिजाइन करवाएं, ये दिखाए तो रिजाइन करवाएं आप, ये दिखाए तो रिजाइन करवाएं आप, रिजाइन करवाइएगा। बीजेपी में तो जो जाता है पाप धुल जाता है ना। बीजेपी महोदय हम लोग सुनते थे, अरे बैठिए आप बोलिए। महोदय हम लोग सुनते थे कि गंगा, चुप रहो ना, क्यों बोलते हो, चुप रहिए। हम तो सुनते थे कि गंगा मैया में डुबकी लगा लो तो सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन बीजेपी में जो चला जाए उसका पाप धुल जाता है। महोदय कहां कोई कार्रवाई हो रही है? गिरिराज सिंह दलितों का जमीन हड़प लिए, नहीं दिखाए थे हम नाम, प्रमाण हम नहीं देते। 7 महीने कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, कोर्ट के, देखिए महोदय शांत कराइए, कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट के बोलिए महोदय। अरे अकेले बोलने दीजिए ना, क्या बोलेगा बच्चा, चिल्लाएगा ही ना, कुछ है बोलने का। महोदय गिरिराज सिंह के मामले में कोर्ट ने संज्ञान में लिया मामला और ये बोला है कि इन पे FIR हो। कोर्ट के संज्ञान और आदेश के बाद भी गिरिराज सिंह पे FIR नहीं हुआ। 7 महीने किसके दबाव में रोका गया ये हम जानना चाहते हैं, और क्या कार्रवाई हुई। सुरेश शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, नगर विकास मंत्री, कलकत्ता में बंगाल गए तो क्या कारनामे करके आए, कितना बिहार का नाम रोशन किया, आपने भी देखा होगा हुजूर, हम लोगों ने भी देखने का काम किया। ठीक, अच्छा उसको हम देख लेंगे। ठीक, खुद बोल रहे, बैठ जाइए बैठ जाइए। चलिए नेता प्रतिपक्ष, अरे प्रमाण दिखा दिए, सबूत के बाद भी महोदय ये नहीं मानेंगे, एविडेंस इनके लिए कुछ नहीं रहता। हो गया, सभी माननीय सदस्य अपनी जगह पर बैठ जाए। चलिए छोड़ो ना, हो गया। अरे भैया हाथ बोलने नहीं देता। सभी आप सभी माननीय सदस्य अपनी जगह पर बैठ जाइए। आसन से मैं बार बार इसीलिए आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि कृपया आपस में टोका टोकी न करिए और आपस में टोका टोकी से ही माहौल में उत्तेजना हो जाती है और यह उत्तेजना किसी समय खतरनाक हो सकती है और वो स्थिति आप सबके लिए और सदन की गरिमा के विरुद्ध होगा। इसलिए मैं फिर से आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि यह सदन आप सबका है, इसकी मर्यादा, इसकी गरिमा, ये आप सबका की मर्यादा है और सबका गरिमा है। अगर इस पर कोई आघात आता है, आपस में टोका टोकी करके उत्तेजना में कोई अप्रिय बात का मतलब आदान प्रदान हो जाए या अप्रिय बात हो जाए, वह किसी भी हालत में वांछनीय नहीं माना जाता है। इसलिए आप सभी मान्य, अब हम बोल रहे तब भी आप खड़े हो गए, आप लोग थोड़े देर, चलिए। और नेता प्रतिपक्ष,
नेता प्रतिपक्ष अब जारी रखिए। महोदय जो बात थी अब वो जो है अब बता दिया, अब हम दूसरा विषय बदल लेते हैं, नहीं तो ये चलता रहेगा। शराबबंदी की बात थी, शराबबंदी पूर्ण रूप से किनकी सरकार में हुई हमको बता दें, हमको बता दें। मानव श्रृंखला में आपका, आप लोगों का क्या योगदान था? आप लोगों ने विरोध किया था, हाँ या ना? जवाब है महोदय, खामोश रहना भी एक उत्तर। हम लोग शामिल थे, हम लोग शामिल थे महोदय, महोदय हम लोग शामिल थे। आप हम उसके साथ कुछ भी नहीं गलत कह रहे, फिर भी उठ जा रहे हैं। ये सरकार में मंत्री नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? वो सवाल इनटॉलरेंस, सवाल। अरे भाई आप लोग चुप रहे, हम अकेले काफी हैं। आप नेता प्रतिपक्ष महोदय, हम तो आप ही को देखे रहते हैं, आपसे मुखातिब होके बोलते रहे, आपको ही देख रहे थे, आप वीडियो देख लीजिए। हम तो आपको देखते रहते हैं, आप उधर घूम जाते हैं, वो उठे तब घूम गए, आप उधर वो उठे तो घूम गए। चलिए तो शराबबंदी महोदय महागठबंधन की सरकार में हुई पूर्ण रूप से। उससे पहले क्या होता था? जगह जगह स्कूलों के सामने ठेका, मंदिरों के सामने ठेका, मस्जिदों के सामने ठेका, यूनिवर्सिटीज के सामने ठेका, बीच बाजार में 50 से भी ज़्यादा ठेके, पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा एक शराब की दुकान होते थे। कूच ट्रेजिडी सबसे ज़्यादा कब होता था ये आप लोग सब लोग जानते हैं, जब मुजफ्फरपुर में कूच ट्रेजिडी हुई उसमें हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोगों ने ज़मीनी लड़ाई लड़ी कि नशा मुक्त होना चाहिए बिहार। अब जब पूर्ण रूप से, जब तक हम लोग सरकार में थे कितना मजबूती के साथ लागू था, लेकिन सरकार से जैसे हटे हैं वैसे ही एक बता दीजिए, एक माफिया अगर गिरफ्तार हुआ है तो शराब माफिया, इलीगल होम डिलीवरी हो रही है। जो 200 रुपए की बोतल मिलती थी वो आज 1500 रुपए की मिल रही है, 1000 रुपए की मिल रही है। और बताना क्या है, खुद इनके नेता पी करके शराब 32 बच्चों को कुचल देते हैं, लेकिन ये इनके नेता नहीं रहते, दो दिन बाद नेता हो जाते हैं। महोदय आज उसी पे तो हम बोल रहे थे कि माफी मांग लीजिए, आपने क्यों गुमराह किया लोगों को, क्यों झूठ बोला कि वो आपके नेता नहीं थे? इनके प्रदेश अध्यक्ष जाकर के बोलते हैं हमारा कोई नेता नहीं है, फिर कैसे नेता हो गया, क्यों एक्सपेल कर दिया? और वो भी 6 साल के लिए, जिंदगी भर के लिए एक्सपेल करते, यानी फिर 6 साल बाद फिर छोड़िए उनको, 6 साल के लिए एक्सपेल किया है महोदय। यानी जो 10 बच्चों का हत्यारा है, 22 बच्चों को कुचलने का काम किया है, उसको सिर्फ 6 साल, वो भी पार्टी से एक्सपेल, यानी 6 साल बाद वापस पार्टी में आ जाएंगे। क्या न्याय है ये न्याय है? मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था, हेलीकॉप्टर पर आता है, 15 मिनट में पहुंच जाते, 15 मिनट परिवार के लोग से मिल लेते, 15 मिनट में वापस पटना आ जाते, 45 मिनट में पूरा काम हो जाता, उनके परिवार के लोगों को मजबूती मिलती, शक्ति मिलती कि हाँ मेरे सामने कोई खड़ा है। लेकिन मुख्यमंत्री वहां नहीं जाते, हम वहां जाते, शहीदों का अपमान करते हैं महोदय। ये लोग कहते हैं कि अगर मंत्री जाएगा तो शहीद जिंदा हो जाएगा, अरे जिंदा तो नहीं होगा, कम से कम उनका सम्मान मिलेगा, हौसला बुलंद होगा, लेकिन कोई वहां भी नहीं जाता है। पहले 2 दिन बाद जब हंगामा होता है, जब हम लोगों की जाने जाते हैं तब ये भागे भागे आते हैं। सबसे पहले जब शहीद हुए थे तो हमने पता चला, सूचना मिली, हम उस समय न्याय यात्रा में, संविधान बचाओ न्याय यात्रा में थे, अररिया में थे, हमको फोन आया, पता चला, हमने इमीडिएटली दोनों जगह दोनों शहीद के परिवारों से फोन पे बात की और हमने बोला जब भी पटना आएंगे हम आपके घर जरूर आएंगे और आपके जो शहादत देने का काम किया आपके बच्चे ने, हम आप लोगों को आकर के सलूट देंगे कि आपने ऐसा बेटा पैदा किया है जिसने बिहार का नाम रोशन करने का काम किया। मुसलमान था उसमें से, मुसलमान भाई थे, मोहम्मद मुजाहिद। यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या क्या हो रहा है महोदय? ठीक है, बैठ जाइए, अरे आप बैठिए, संजय जी, संजय जी, ए संजय जी बैठिए, ए बैठ जाइए। क्या गलत बोल रहे हैं बोलिए, हम वो आ जाते हैं, उसमें से एक मुसलमान शहीद हुआ। जो देश में जो माहौल है महोदय, जिस प्रकार से जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग लड़ाए जा रहे हैं महोदय, जहर फैलाया जा रहा है, ये लोग जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, आज जब हमारा मुसलमान जब देश के लिए सुरक्षा करने के लिए आज वो लोग खड़े हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, तभी हम लोग सुरक्षित हैं।
तो कोई नहीं जाता, अपमान किया जाता है महोदय। और जो रकम जो उनको मिला था परिजनों को, वो वापस कर दिया गया। हम लोग जब पिछले बार कैबिनेट में थे, जब शहीद हुए थे, तो हम लोग के सामने ये मामला आया था, तो 11 लाख रुपए हम लोगों ने करने का काम किया था, आप लोगों को याद है। और हमने मुख्यमंत्री से बात की थी, चाहे आर्मी का हो या मिलिट्री का हो, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। अगर देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया है, शहीद हुआ है, तो रकम में भेदभाव नहीं होनी चाहिए, कम से कम सम्मान के तौर पे ही उसको जो है सबको बराबर मिलना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ महोदय, अभी भी पूरा बजट भाषण हो गया, शहीदों के लिए क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या हुआ? ये तो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी लोग हैं महोदय, राष्ट्र का हित, राष्ट्र का सुरक्षा की बात करने वाले लोग, जो सुरक्षा कर रहे हैं उनके लिए आपने क्या किया ये बता दीजिए। इस बजट में क्या था, आज के बजट में उनके लिए क्या था? आप जाइए परिवार के लोगों की हालत देखिए क्या है। वो बोलते हैं हमको रकम नहीं चाहिए, हमको एक और वर्दी दे दो, मेरा एक और बेटा जवान बनेगा, देश के लिए कुर्बानी देने का काम करेगा। क्या बात करते हैं आप लोग। स्कॉलरशिप महोदय, आपको पता होगा कि जब से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आया है, हम लगातार मुख्यमंत्री जी से भी पहले बात करते रहे कि ऑप्शनल कर दिया जाए, जो छात्रवृत्ति जिन अति पिछड़े पिछड़े दलित महादलितों को अल्पसंख्यकों को मिलती थी उसको कंटिन्यू किया जाए और ऑप्शनल रख दिया जाए। जिसको लोन चाहिए वो लोन ले लेगा, जिसको स्कॉलरशिप में छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति होती है, तो ऑप्शनल अभी तक इस बजट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अब तक कितने ऐसे छात्र छात्राएं हमारे पास आते हैं महोदय, और वो कहते हैं कि हम लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा, हम लोगों का जो पैसा है महोदय वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा, बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है, कॉलेज से निकाला जा रहा है, तो कहाँ कुछ हो रहा है महोदय? आपको पता होगा जब अति पिछड़ा पिछड़ा विभाग था, तो हम लोगों ने स्पेशली सरेंडर करने के बाद भी हम लोगों ने फाइल को आगे कार्रवाई करके एक्स्ट्रा फंड हम लोगों ने अति पिछड़ा विभाग में लाया और स्कॉलरशिप बांटने का काम किया। तो चिंता कीजिए, जो अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति है, जो शोषित समाज है, वर्ग है, जिसको हम लोग गुलाम बनाने का काम किए हैं, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहे हैं कर्पूरी जी लोहिया जी ने, आप लोग तो कर्पूरी जी को गाली देते रहे, आज समारोह कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कम से कम वैसे परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग तो किया जाए, आर्थिक रूप से सहयोग तो किया जाए। लेकिन जो उनका अधिकार था, जो हक था, वो भी महोदय छीन लिया गया। बालूबंदी से महोदय, बालूबंदी से कितना नुकसान हुआ बिहार को, बिहार में कितने सरकारी प्रोजेक्ट्स ठप पड़े हैं महोदय, कब तक प्रोजेक्ट होगा? यानी यही माना जाए कि फिर से टाइम बीतेगा, चीजें महंगी होगी, फिर से रिवाइज एस्टिमेट होगा, फिर से पैसा नहीं होगा, फिर से जवाब मिलेगा जब मंत्री पढ़ेंगे कि निधि की उपलब्धता नहीं है, निधि की उपलब्धता नहीं है, फिर यही काम होता रहेगा, तो काम कब होगा? अपना मिट्टी खुद अपना कोर के कहीं नहीं भर सकता है, वो उसको भी परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, मिट्टी भी अपना खोदो तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा अपना खेत का मिट्टी में। आज देखिए ये लोग कौन लोग हैं, मजदूर किसान, ये लोग भीख मांगने वाले लोग, ठेला चलाने वालों, और प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़ा बचो, हम तो कहते हैं हम पकौड़ा भी बेच लेंगे, लेकिन कम से कम 15-15 लाख तो दे दीजिए, हमको तो जमीन भी लगाना पड़ेगा, दुकान भी खोलना पड़ेगा, उसका पैसा कौन देगा? हाँ कौन देगा? 15-15 लाख ही रुपया दे दें जो बेरोजगार हैं, बटवाइए नौजवानों को, बटवाइए, पकौड़ा बेचेगा चाय बेचेगा। लेकिन बात यह है कि सब अगर हर एक साल 2 करोड़ लोग अगर पकौड़ा बेचेंगे तो खाएगा कौन? कौन खाएगा? हम तो समर्थन करते हैं, हम तो सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं चाय बेचने वाले का, सब्जी बेचने वालों का, फल बेचने वालों का, पकौड़ा बेचने वालों का, चौमिन बेचने वालों का, मोमो बेचने वालों का, सबका हम सम्मान करते हैं। मेहनत की कमाई खा रहे हैं, किसी के बाप की कमाई नहीं खा रहे, चोरी का पैसा नहीं कमाया जा रहा है इस जैसा महोदय, अपनी मेहनत से पसीना का पैसा वो कमाने का काम कर रहे हैं, तो उनको तो कम से कम आप 15-15 लाख रुपए दे दो, बोनी तो करा दीजिए। ये मुख्यमंत्री जी भाषण देते थे कि नहीं देते थे श्रवण जी, कि बोनी तो करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी, तो झूठ बोल रहे हैं। आप उधर घूमने लगे, अपने 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 बात को प्रूफ करने के लिए उनसे हम पूछ रहे हैं, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हम पूछ रहे हैं महोदय। खैर वो अलग बात है, रोड एक्सीडेंट हो गया, अब सुरेश शर्मा जी का नाम भी तो चले गए, हालांकि बंगाल में अच्छा बिहार का नाम रोशन करके आए, अलग बात है महोदय। लेकिन मुख्यमंत्री पे क्यों 20,000 का जुर्माना है? मुख्यमंत्री पे स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं होता है? अगर वो निर्दोष है तो स्पीडी ट्रायल करा ले, एक सैंपल सेट हो जाएगा, एक सैंपल सेट हो जाएगा। बात बात पे इस्तीफा देने चले जाते गवर्नर हास,
तो कम से कम स्टेट वर्सेज नीतीश कुमार है, आप बता दीजिए कि जहां मुद्दा या मुदाले नीतीश कुमार और स्टेट गवर्नमेंट है वहां क्या न्याय होगा, क्या जस्टिस होगी? कुछ नहीं होना है महोदय। नंदनगांव में, कैमूर में क्या दोष था उन दलितों का? सात निश्चय के तहत हम लोगों की प्रायोरिटी थी कि सबसे पहला जो काम हो महादलित टोलों में हो। अगर महादलित अपने काम को लेकर के अपने मुख्यमंत्री से विनती करते हैं कि मुख्यमंत्री जी बगल में पाठक जी का गांव है वहाँ काम हो रहा है, हम लोग दलित महादलित हैं यहाँ काम नहीं हो रहा है, एक बार रुक जाइए देख लीजिए, तो प्रशासन के लोग डंडे बरसाने का काम करते हैं। थोड़ा सा तो जा रहे हैं, बगल में कितना टाइम लगता, आखिर क्या फायदा है? जब तक जमीनी हकीकत को समीक्षा में नहीं देखेंगे, लोगों की नहीं सुनेंगे, तो वैसा अधिकारियों के साथ बैठ करके, तो आपके कमरे में भी बोला जाता है अधिकारी तो बेईमान है, धोखा देते हैं, तो उनके साथ कमरे में बैठ के क्या समीक्षा होगी? समीक्षा तो गांव देहात में गांव के लोग जब बताएंगे वो होगी ना असली समीक्षा। ये कौन सी समीक्षा है? कोई योजना नहीं हो रहा है महोदय। हम तो विनती करेंगे कि बेतिया चलिए मुख्यमंत्री जी, जहां हम लोग सात निश्चय के तहत पहला यात्रा पे गए थे, अब वहां की भी स्थिति देख लीजिए, जहां शौचालय था, जिस वार्ड में लगा था, जिस वार्ड में पानी लगा था, वहां की स्थिति भी जाके देख लें, वहां भी पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो रोड बनना है, नाली बननी है, अब तक क्या काम हुआ? स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गवर्नर साहब ने बोला, जो आप लोगों ने लिख के दिया होगा पढ़ा होगा, गवर्नर साहब बोलते हैं कि 3 साल से अभी तक लिस्ट में ही आया है, आगे नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है आगे? कौन सा स्मार्ट सिटी भाई? कितना स्मार्ट सिटी आप लोगों ने बना दिए? फिर मुख्यमंत्री जी भाषण देते हैं, हम स्मार्ट सिटी के नहीं, हम स्मार्ट सिटी के साथ साथ हम स्मार्ट गांव भी बनाएंगे। कौन सा गांव स्मार्ट हो गया आपका? कौन सा गांव स्मार्ट हो गया? डबल इंजन की सरकार बताएं डबल इंजन की सरकार कौन सा? कितना मंत्री का फोटो हम लगा दिए ट्विटर पे खुले में शौच, क्या बात कर रहे हैं आप, मत बोला कीजिए महोदय। तरह तरह का स्कैम बताइए। कैमूर में एक आदिवासी का शराब के शक में, हम गए वहाँ, शराब के शक में उसको पुलिस घुस के पीटती है, मारती है, शराब नहीं मिलता है तो उसकी इतनी हालत ख़राब हो जाती है, वहीं बेहोश हो जाता है, उसको तुरंत पुलिस के लोग भभुआ लेके जाते हैं, भभुआ में इलाज नहीं होता, रेफर कर दिया जाता है बनारस, बनारस लेके जाया जाता है। और ऐसे जगह पे कैमूर का पहाड़ का इलाका, जहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है, ना साधन है, ना ट्रांसपोर्टेशन है, गरीब एकदम भूस का घर जिसका रहता है, एकदम आदिवासी उसके घर जाता है और उसको अस्पताल में लेके जाता है बनारस, तो वो वहाँ मर जाता है, मौत हो जाती है उसकी। और उसके परिवार में लोग, एक ही कमाऊ व्यक्ति था अपने परिवार में महोदय, उसके परिवार में लोग चिंतित रहे, किसी तरीके से गांव वालों ने अपना उनको आर्थिक रूप से सहयोग किया, बनारस भेजा, और बनारस जब गए तो उनको सूचना मिली कि वो उनकी मृत्यु हो गई। परिवार के लोग यही चाहते थे कि उनकी लाश को लेकर के हम अंतिम संस्कार कर दें, लेकिन अंतिम संस्कार नहीं किया गया क्योंकि पुलिस ने डेड बॉडी उनके परिवार को ना सौंप के खुद ही डिस्पोज कर दिया गया। दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, दोनों में अलग अलग बातें आई महोदय। तो हम ये कहना चाहते हैं, दलितों पे लाठी पूरन छेड़ो, उनका नाम है जिनका देहांत हुआ, कोई सहायता अभी तक नहीं किया गया महोदय। हम ये कहना चाहते हैं, फिर से वही दिन आ गया है महोदय कि फिर से गरीबों पे जुल्म ढाया जा रहा है, जो अंतिम पैदान में जो आदिवासी है, महादलित है, फिर उनके साथ वही भेदभाव की स्थिति लाई गई है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपनी गलतियों को माने और कम से कम चोर दरवाजे से सरकार में आए तो इन सारी बिंदुओं पर गौर करें। अभी आप लोग सरकार में, हम पूरा मौका देंगे आप लोगों को काम करने का, आप लोग काम कीजिए, लेकिन बकवास मत कीजिए ना, जुमलेबाजी मत कीजिए, काम कीजिए, पूरा समर्थन मिलेगा हमको, भले ही चोर दरवाजे से, वो अलग बात है, लेकिन महोदय जिनको जनता ने वोट दिया वो कारागार में है, जिनको वोट नहीं दिया वो चोर दरवाजे से सरकार में बैठे हुए हैं। तो इसलिए महोदय ज्यादा समय नहीं लेंगे, और हमको तो खुशी होती जब मुख्यमंत्री जी होते, सुशील मोदी जी होते, और ये जो सृजन स्कैम है, मेरे ख्याल से ललन सिंह जी प्रभारी मंत्री हैं भागलपुर के, तो इस पे इनको भी गौर करना चाहिए। हम ये चाहेंगे कि ये सारा रिकॉर्ड में आ जाए, CAG का है, RBI का है, और बैंक अकाउंट है जिसमें कि रेखा मोदी जी का साफ साफ दिख रहा है, और वो आज बजट पेश कर रहे हैं, पूरा मार्क किया हुआ करोड़ों रुपए महोदय। तो हम चाहेंगे कि ये तो सारा जो है सदन में ले कर रहे हैं ना, ये वाला दे रहे हैं महोदय, तो बाकी जो बोले तो रिकॉर्ड हुई है ठीक। तब धन्यवाद महोदय।
धन्यवाद।